तैयारी लगभग तय है, कोर्ट लेकर जा रही है पुलिस। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, थोड़ी देर में शायद प्रशासनिक अमला जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसके बाद इसकी आधिकारिक पुष्टि की जाएगी। सुबह से आपको बता दें कि पूछताछ की जा रही थी, सुबह पुलिस सुरक्षा के बीच उन्हें जेल ले जाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम लखीमपुर कांड से जुड़ी बता रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूं और 21 किलो 700 ग्राम चावल, एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों